तो फ्रेंड मैं आज बात कर रहा हूँ कि जी टी वी से रुपया कैसे कमाया जाता है, जी टी वी चैनल मोनोटाइज कैसे किया जाता है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बिल्कुल फ्रेंड, जी टी वी से रुपया कैसे कमाएं और जी टी वी मोनोटाइज कैसे करें, तो हम चलते हैं क्रोम ब्राउजर में, आपको वहीं पर दिखाते हैं कि जी टी वी मोनोटाइज कैसे करें और यहाँ पर रुपया कैसे अर्निंग किया जाता है। जी टी वी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। जैसे यूट्यूब से रुपया कमाते हो, मोनोटाइज करते हो, उसी तरीक़े से यहाँ पर भी आप वीडियो डालकर रुपया कमा सकते हो, मोनोटाइज कर सकते हो फ्रेंड। बिल्कुल फ्रेंड, तो हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, कैसे इंटरेस्ट वीडियो और यूट्यूब के रिलेटेड वीडियो हरदम लेकर उपस्थित रहता हूँ आप सभी के लिए। तो मैं कोई भी वीडियो ना तो मिस ना होने पाए, सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप देख सको और आप सीख सको, इसलिए नए नए एप्लीकेशन है फ्रेंड। तो आप जैसे यूट्यूब आया था तो वहाँ पर यूट्यूब पर मोनेटाइज का ऑप्शन पहले नहीं था, इसलिए नहीं था कि वहाँ पर यूट्यूब नया था, कोई जानकारी नहीं हुआ करता था, किसी के पास जानकारी नहीं था। तो यूट्यूब क्या है, तो यूट्यूब के फ्रेंड इसलिए यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वाच टाइम का रिश्व नहीं था, इस पर भी जिक टी वी पर भी फ्रेंड नहीं है। तो हम चलते हैं क्रोम ब्राउजर में, और क्रोम ब्राउजर में हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चलते हैं क्रोम ब्राउजर को ऑन कर लेते हैं फ्रेंड। क्रोम ब्राउजर ऑन करने से पहले फ्रेंड आपको यहाँ पर आपको लिख लेना है जी टी वी। तो यहाँ पर चलते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रेंड जी टी वी। यहाँ पर इसे आपको लिख लेना है फ्रेंड। लिखने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च में डाल देना है। सर्च में डालने से पहले फ्रेंड आपको फिर उसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा फ्रेंड। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर एक लिंक दिखेगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जो लिंक दिखेगा फ्रेंड उसी पे आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए इस पे जैसे क्लिक करते हो फ्रेंड, उसके बाद में आपके सामने कुछ नया पेज खुलेगा, नया इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर जैसे खुलता है तो यहाँ आपको लॉगिन करना है फ्रेंड। तो क्या कैसे लॉगिन करना है पूरी जानकारी आपको हम आज देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप करते हो तो जान कुछ नहीं पाओगे, इसलिए छोड़िएगा, अगर कुछ मेन टॉपिक छूट जाता है शायद कुछ जान नहीं पाओगे फ्रेंड, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको। तो चलते हैं, हम आपको यहाँ पर दिखेगा एक लोगो दिखेगा, लोगो वाला नहीं है, जिसे बॉक्स दिखेगा इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर बॉक्स दिखेगा इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं फ्रेंड। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब फर्स्ट नंबर पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे हमें सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाता है फ्रेंड, जैसे इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है न्यू पर है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको जैसे अगर आपका आईडी बना हुआ है तो यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासपोर्ट डाल देना है, और जैसे नहीं है फ्रेंड तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने से पहले फ्रेंड आपको यहाँ पर कुछ डालना है, क्या डालना है, जैसे यहाँ पर आपको डाल देना है यूजर नेम आपका डाल देना है, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देना है फ्रेंड, और यहाँ पर एक पासपोर्ट डाल देना है, और यहाँ पर कन्फर्म पासपोर्ट, जो पासपोर्ट यहाँ पर डालोगे फ्रेंड वही पासपोर्ट यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। यहाँ पर अपना महिला या पुरुष वो डाल देना है, आपको इतना करके यहाँ पर टिक लगा देना फ्रेंड। टिक लगाने से फिर आपको यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। तो चलते हैं इस पर, हम डाल देते हैं सब अपना यूजर नेम है जो सब कुछ है, इस पर हम कर देते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर हमारी कन्फर्म हो गई है, पूरी चीज़ यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे भी और फिर इस पर हम क्लिक कर देने वाले हैं। तो चलते हैं फ्रेंड, हम इस पर अपना टिक किए और यहाँ पर मैं मोनेटाइजेशन पे कर दिए हैं। तो चलते हैं, हम यहाँ पर हमारा हो चुका है फ्रेंड, देख सकते हो हमारा आईडी यहाँ पर खुल चुकी है। तो बिल्कुल फ्रेंड हमारी यहाँ पर आईडी खुल चुकी है। तो अब क्या करना है, इसके आगे हमको यहाँ पर जैसे अपना पासपोर्ट को यहाँ पर सेव कर देना है। तो यहाँ पर अपना चलते हैं, यहाँ पर लोगो दिखेगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको लोगो दिखेगा, तो लोगो पर क्लिक कर लेना है फ्रेंड। जैसे लोगो पर क्लिक करते हो आप, यहाँ पर चलिए यहाँ पर लोगो पर क्लिक कर लेना है। तो लोगो पर क्लिक करते हो फ्रेंड तो यहाँ पर आपको कुछ एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलते हैं, इस पर हम अपना फोटो लगाते हैं, यहाँ पर भी फोटो लगे। तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं, इस लोगो पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो फ्रेंड तो इससे आपके सामने कुछ नया पेज खुल जाता है। यहाँ पर आप पूरी एडिटिंग दोबारा कर सकते हो, यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम देख सकते हो, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ इसमें।
यहाँ पर अपना नेम भी यहाँ पर डाल सकते हो, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पर सेकंड नेम डाल सकते हो, यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कुछ लिख सकते हो, यहाँ पर फेसबुक का भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर फेसबुक अपना मतलब जैसे फेसबुक के बारे में अपना लिंक लगा सकते हो, यूजर नेम फेसबुक का, यहाँ पर गूगल का यूजर नेम, यहाँ पर टेलीग्राम का यूजर नेम, यहाँ पर इंस्टाग्राम का यूजर नेम, यहाँ पर पूरी मतलब लगा सकते हो, सेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। यहाँ पर अपना कंट्री यहाँ पर सेट कर सकते हो फ्रेंड, जैसे यहाँ पर कंट्री भी अपना सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अपना इतना कर सकते हो फ्रेंड। उसके बाद में आपको फिर चल देना है, हम चलते हैं आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपको कैसे मोनेटाइजेशन, बहुत बड़ी चीज़ है मोनेटाइजेशन कैसे करना है। तो हम चलते हैं आपको बता देते हैं कि मोनेटाइजेशन कैसे करना है। तो बिल्कुल फ्रेंड आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे यहाँ पर देख दिखाएगा लोगो, यहाँ पर लोगो पे क्लिक करते हो जैसे अपने फ्रेंड। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे को स्किप करना है, जैसे स्किप नहीं करना है फ्रेंड, बस इतना ही ऑप्शन ही है। तो चलते हैं यहाँ पर आपको दिखेगा वीडियो स्टूडियो, यहाँ पर आपको दिखेगा तो वीडियो स्टूडियो दिखेगा फ्रेंड। तो इस पर क्लिक कर लेना है वीडियो स्टूडियो पे, जैसे क्लिक करते हो फ्रेंड तो आपके सामने नया ऐसा पेज खुल के आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ सब बहुत ऐसा ऐसे पेज आ जाता है। तो आप तो चलते हैं यहाँ पर आपको दिखेगा एक पॉइंट का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करते हो फ्रेंड, क्लिक करने के बाद में आपको के सामने कुछ नया इंटरफेस खुलेगा, नया पेज रहेगा, ऐसे ही सेम पेज रहेगा फ्रेंड, लेकिन आपको सामने कुछ नया ऐसे पेज खुलेगा। तो आपको नीचे को स्किप करना है, जैसे नीचे को स्किप करते हो फ्रेंड तो यहाँ पर आपके सामने ये बैलेंस का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं नीचे को स्किप किया था तो ये बैलेंस का ऑप्शन नहीं था ये वाला, और ये यहाँ पर बैलेंस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इस बैलेंस के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करते हो फ्रेंड तो आपके सामने फिर यहाँ पर नया इंटरफेस खुल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो बैलेंस का, ये बैलेंस पे है फ्रेंड। तो यहाँ पर बैलेंस हमारे पे अभी नया आईडी आपके सामने क्रिएट किया है, इसलिए बैलेंस कोई नहीं है इसमें। तो चलते हैं आपको इसे नीचे बगल को इसे स्किप करना है, यहाँ पर आपको मिल जाता है मोनेटाइजेशन को ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। तो मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मोनेटाइजेशन यहाँ पर देख सकते हो बंद है, ये मोनेटाइजेशन यहाँ पर बंद है, देख सकते हो यहाँ पर मोनेटाइजेशन बंद है फ्रेंड। तो चलते हैं मोनेटाइजेशन को मैं ऑन कर लेता हूँ, और आप भी देखते हैं कि मतलब आप भी देखिएगा यहाँ पर मोनेटाइजेशन भी ऑन हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो पूरी जानकारी आपको यहीं पर है कि मोनेटाइजेशन आपका ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बैलेंस भी दिखा रहा है कि यहाँ पर बैलेंस मिलेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बैलेंस भी मिलेगा, बिल्कुल 100% इसमें बैलेंस मिलने वाला है, वीडियो का भी आपको बैलेंस मिलेगा। तो चलते हैं मोनेटाइजेशन को मैं ऑन कर दिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हो मेरी जो मोनेटाइजेशन है फ्रेंड यहाँ पर ऑन हो गया तुरंत। इसमें कोई फॉर्म और इसमें कोई कुछ भरना नहीं है, इसलिए आपको फॉर्म कब भरना पड़ेगा फ्रेंड, जब आपको यहाँ पर रुपया लेना होगा तभी आपका फॉर्म यहाँ तभी भर सकते हो, तब मतलब आपको ऑप्शन मिलेगा एक चक्कर फॉर्म भरने का। अगर नया अपडेट नहीं आ जाता है तो, अगर नया अपडेट आ जाएगा तो शायद फॉर्म तभी ना भरना पड़े, लेकिन अभी तो मतलब है सब, अभी नया अपडेट नहीं आया है। तो इतना है फ्रेंड, आपको फिर यहाँ पर सेव कर देना है, यहाँ पर सेव का हो चुका है मतलब सेव हो जाता है तुरंत। तो यहाँ पर सेव हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर हमारा सही का टिक लग के आ गया था। तो यहाँ पर जैसे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहाँ पर देख सकते हो सही का टिक लग के आ गया, यहाँ पर देख सकते हो। तो हो गया फ्रेंड, तो चलते हैं हम आपको और भी कुछ बता देते हैं इसमें। यहाँ पर देख सकते हो इधर देख सकते हो 1 मिनट, यहाँ पर अपना फ़ोटो यहाँ पर अब लगा सकते हो फ्रेंड, ये फ़ोटो अब यहाँ सब क्लिक करके चलते हैं फ़ोटो पे। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने से आ जाता है, यहाँ पर फ़ोटो अपना लगा सकते हो, यहाँ पर भी फ़ोटो लगा सकते हो। तो चलते हैं फ़ोटो लगा लेता हूँ, कोई एक फ़ोटो कोई भी लगा लेता हूँ, चलते हैं ये फ़ोटो मैं लगा देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर डन का ऑप्शन मिल जाता है, फिर यहाँ पर डन कर देना है आपको। तो चलिए यहाँ पर हो चुका है, अब यहाँ पर हमारे साथ पास वैसा थिम्बल नहीं है, चलिए लेकिन लगा देता हूँ कोई एक लगा देता हूँ। तो चलिए मैं ये फ़ोटो लगा देता हूँ फ्रेंड, चलिए मैं यही फ़ोटो लगा देता हूँ फ्रेंड, यही फ़ोटो लगा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फिर हमको सेव कर देना है, सेव कर देना है फ्रेंड यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हमारा हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, जब लगेगा फ़ोटो तो यहाँ पर डाउनलोड होगा, ऐसे ही डाउनलोड आपके सामने भी होगा फ्रेंड। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आपको वीडियो कौन सा अपलोड करना है यूट्यूब का ही वीडियो यहाँ पर अपलोड आपको कर देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा फ्रेंड, यूट्यूब का ही वीडियो आप भी यहाँ अपलोड
कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको YouTube का ही वीडियो यहाँ पर भी अपलोड कर सकती हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। तो हमारा वीडियो आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आया ही होगा। तो बिल्कुल फ्रेंड, मैं आप यहाँ से अपना पासपोर्ट भी चेंज कर सकते हो। अगर आपका पासपोर्ट कोई लीक हो गया तो आप क्या यहाँ पर अपना पासपोर्ट चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर फिर उसके बाद में उसी ट्री से यहाँ पर अपना जिसे वीडियो अपलोड करते हो तो आप चेक कर सकते हो कि हमारा बैलेंस कितना हो चुका है। पूरी जानकारी आपको इसी एप्लीकेशन से यहीं से क्रोम ब्राउज़र के माध्यम से मिल जाता है। और वीडियो आपको अगर अपलोड करना है फ्रेंड, तो आपको यहाँ पर प्लस का आइकन दिखेगा, प्लस का आइकन पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जैसे प्लस का आइकन पे क्लिक करते हो फ्रेंड, तो आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है यहाँ पर। तो देख सकते हो वीडियो यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हो, और यहाँ पर स्टोरी मतलब जैसे बहुत से ऐसे ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पर आप शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, बहुत ऐसे एप्लीकेशन है, बहुत से मतलब ऑप्शन आपको मिल ही जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा इसका भी मोनेटाइजेशन हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा वॉच टाइम, ऐसा भी कोई इसमें ये सब नहीं किया गया फ्रेंड। तो चलते हैं फ्रेंड, हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए कर दीजिएगा। अगर फ्रेंड ये भी एक बड़ी बात है कि आपको अगर यहाँ पर बैलेंस आ जाता है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर डालकर कितना यहाँ 50 देख सकते हो, $50 तक ले सकते हो, $50 हो जाएगा तभी आप ले सकते हो। यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा, यहाँ से सब सेट कर सकते हो, जो जिसे एक बार अपना डेटा भर दोगे पूरा कि हमको कितना चाहिए, मतलब अपना कहाँ की हो क्या है, तो यहाँ से सेट होकर के यहाँ पर विड्रॉ हरदम ले सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा फ्रेंड। तो बिल्कुल फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड।